जब भी ये गाना सुना था, देर आर सो मेनी स्टेजेस बिफोर ये गाना शूट होता है, उससे पहले इतने सारे स्टेजेस होते हैं, तो हर स्टेज पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस गाने से और प्यार होते जा रहा है। पहले हमने गाना सुना, फिर ऑब्वियसली इट इज़ बाय सारेगामा, चलेगा ना? सो इट वॉज बाय सारेगामा, तो वो एक अच्छी बात थी। देन धीरे धीरे फिर हमने गाना सुना, फिर मैंने कास्ट सुना, फिर मैंने प्रोडक्शन सुना। एवरी थिंग वॉज जस्ट लाइक यू नो टिकिंग ऑल द बॉक्सेस। एंड जब इतने सारे टैलेंटेड लोग साथ में आके एक अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आई थिंक इट इट रियली मेक्स अ डिफरेंस, एंड आई एम श्योर ऑडियंसिस को ये बहुत पसंद आएगा। हाँ भाई, सबसे पहले तो जो ऑडियो है वो इट्स गॉट दिस स्लाइट नॉटीनेस टू इट, बहुत एक स्लाइट रिश्ता रिश्ता पानी जिस तरीके से गाया भी गया है। एंड स्टेबिन इज डन अ ब्रिलियंट जॉब, एंड जिस तरीके से उन्होंने गाया भी है, तो इट हैज़ अ वेरी स्वीट सिंपल रिदम, बट उसमें एक हल्का नॉटीनेस है जो बहुत प्यारा लगता है। तो उसे शूट और हमारे कैरेक्टर्स भी उसी तरह से, जो वीडियो भी है वो भी कहीं ना कहीं उसी से मेल करने की कोशिश की। तो वो ऑब्वियसली जब सारी चीज़ें सुनी, जो पूरी टीम है, जब धर्मा 2.0, सारेगामा, पुनीत मल्होत्रा, राजेश, स्टेबिन, दिव्या अग्रवाल, सारे सब सारी चीज़ें जब पता चली कि तो लाइक वी हैव टू डू दिस, एंड इट साउंडेड सो ग्रेट। मैंने गाना एटलीस्ट 100 बार तो सुन लिया था पहले, क्योंकि गाना मिलते आई थिंक शूट कुछ दो थोड़े टाइम बाद हुआ था हमारा, तो उसके बीच ही जब भी गाड़ी से जा रहे या कहीं घर पे बैठे, तो हम बार बार वो सुनते हैं वो गाना। एनीवे शूट पर तो इतने बार फिर सुनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जहन में बैठ गया था कि तो इट हैड दैट फील ऑलरेडी, तो हमें बस उस फील को फिर दर्शाना था। एंड इट फेल्ट वेरी गुड, इट्स ऑलरेडी सच अ नाइस सॉन्ग, तो और ईजी हो जाता है उसका वीडियो बनाना। आई फील काफ़ी टाइम हो गया एक अच्छा सा लव सॉन्ग सुने हुए, है ना? सो आई एम होपिंग ये वो ऐसा वाला लव सॉन्ग। आई रियली होप इट वर्क्स। या आई रियली होप। एंड रिश्तों की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली इंडिया में रिश्तों की काफ़ी अहमियत है, जैसा कि मैंने इस गाने में देखा। आप लोगों आपके आपके जो रिश्ते रिश्ता दिखाया गया है, एंड योर प्योर एंड योर डैड ग्रैंडफादर, और भी अगर मैं बात करूँ बहुत सारे रिश्ते हैं हमारे इंडिया में, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, हम जो स्टोरी लाइन है वो कुछ इस तरह है कि द गाय कम्स फॉर हिज ग्रैंडफादर्स एनिवर्सरी, कम्स बैक टू इंडिया फॉर इट, तो 75th हाँ बर्थ, पहले एनिवर्सरी था फिर बर्थडे हो गया, बट इन एनी केस वो तो वो इसलिए वापस आता है, बट जब वो आता है सबसे मिलता है एंड ऑल, तो वो एक लगाव हो जाता है उनका, तो ही कम्स बैक फॉर द गर्ल एंड फॉर द फैमिली आई होप। एंड या तो ऐसे तो है यार, वो दिखाया है पूरा, आई थिंक वो रिश्ता जो इन अ वेरी सिंपल वे, बहुत उसे बहुत डीपली हमने बहुत सीरियसली नहीं किया, बहुत सॉफ्टली स्वीटली उसे पूरा दिखाया गया। आई थिंक व्हाट पुल्ड हिम बैक इन द म्यूजिक वीडियो, अगर आप लोग देखोगे तो यू नो ही लव्स हिज ग्रैंडफादर, बट इसने जब एक लड़की देखी जो ग्रैंडफादर के साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह है, and you know he sees how comfortable she is in the family, you know she's mixed up so well, I think that makes him love more, and tabhi usko ye realize ho jata hai ki this is a girl I would like to know more. ha true, that's true. Why you come back, ha you wo cancel your wo jaane se pehle bhi wo ek bar dekhta hai ki wo jo puri family sir so, agar aap bahut hi simple sweet story line hai, bahut complex nahi hai, lekin yes you're right, वो एक जो relationships है जो आपके दादा के साथ या आपकी family के साथ, वो बहुत sweetly दिखाया गया है, it looks like a movie song यार, बहुत प्यारा लगा, especially that part जो दिव्या is with the grandfather and yeah, grandmother and with the whole family, yeah. Yeah, yes, right. तो हमारी life में भी उतनी अहमियत है यार, अभी हम भी, मेरे भी दादू है, he's माशाल्लाह 85 now, तो हाँ हम भी, तो वो बहुत इजी हो जाता है कनेक्ट करने, बिकॉज आई थिंक हमारी वैल्यूज़ में ही है वो, तो वो जब दर्शाना भी हो, जब शूट भी करना, तो वो और इजी हो जाता है, वो इजी हो जाता है। आई थिंक मोहसिन जी आपके लाइफ में ये रिश्ता, ये जो है, इसकी काफी अहमियत है, आपने दिस इज रिश्ता, दिस इज रिश्ता,
दिस इज पानी का रिसना. सो इसकी भी काफी अहमियत है, तो क्योंकि जब आप जो भी काम करते हैं लोग बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं. आपने जो टीवी में किया था उसका जो कुछ भी हमें देखने को मिला, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया. लाओ ये गाना बहुत ही अप्रिशिएट होने वाला है, तो कैसे देखते हैं आप और क्या कुछ कहना चाहते हैं? बस थैंक यू, इंशाल्लाह ये गाना लोगों तक पहुँचे, आपके ज़रिए से सारे लोग गाना देखें और पसंद करें. आई रियली होप दे लाइक इट. बहुत प्यारा गाना है, थोड़ा टाइम लग गया आने में, हम भी एक साल से वेट कर रहे थे एंड फाइनली इट्स हियर. सो वी वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इट्स जेन्युइनली अ वेरी स्वीट, वेरी नाइस सॉन्ग. तो बस सबसे यही कहना है कि प्लीज़ सारे गामा पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सारे गामा पे रिश्ता रिश्ता पानी है ये गाना, और इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग. आई होप यू गाइस लाइक इट. हाँ, लाइक जो सॉन्ग है वो काफ़ी इट लुक्स वेरी ग्रैंड. मतलब हम दोनों तो थे ही, पर द वे इट्स बिन शॉर्ट, जो एक एक सीन आप उठा के देखेंगे तो इट लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट एंड इट लुक्स लाइक अ लैंडस्केप, ब्यूटिफुल पिक्चर्स. तो आई थिंक लोकेशंस हैज रियली लिफ्टेड द सॉन्ग अप. एंड मोहसिन का जो घर दिखाया वो भी इतना ग्रैंड घर दिखाया, लाइक वाओ, इट्स एवरीथिंग इज जस्ट राइट इन द प्लेस. एंड आई थिंक दैट्स वॉट विल मेक द ऑडियंसिस गो क्रेजी ओवर दिस वीडियो, होपफुली. अरे बिल्कुल जो ट्रैफिक के हिसाब से, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो फिर रिक्शा सट 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 निकल जाएगा. आई ट्रैवल्ड इन बसेस, रिक्शास, ट्रेन्स, एवरीथिंग. हम तो पैसे बचाने के लिए फिर वो शेयर रिक्शा भी करते थे. एवरीथिंग इज फाइन. सो चलिए आप कुछ ही घंटों में आई थिंक अब ये गाना आ जाने वाला है जो हमें बहुत ही पसंद आ रहा है. ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप लोग इस गाने को लेकर? थैंक यू सो मच. अभी तक थैंक यू सो मच, अभी देखना है. बट देन थैंक यू सो मच फॉर द एक्साइटमेंट एंड द सपोर्ट दे आर ऑलरेडी शोइंग, बिकॉज मोहसिन और मैंने साथ में कभी काम नहीं किया है, पर द एक्साइटमेंट इन द ऑडियंस, दे हैव बीन सपोर्टिंग मोहसिन सो वेल, दे हैव बीन सपोर्टिंग मी सो वेल सिंस सो मेनी इयर्स. तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल कोलैबोरेशन दैट रियली होप इट वर्क्स वेल, और ऑडियंसेस को हमारा साथ में काम करना पसंद है. अब तक उन्होंने बहुत प्यार दिया, उसके लिए सो मच, थैंक यू सो मच. बट होपफुली अब साथ में प्यार देंगे तो और मजा आएगा इंशाल्लाह. तो आई एम सॉरी मैं पूरे इंटरव्यू में थोड़ा लो हूँ, थोड़ा सा बीमार हूँ मैं, बट प्लीज़ रियली होप यू गाइज लाइक इट. बहुत बहुत एफर्ट्स लिए है. उस वक्त दिव्या बीमार थी जब हम शूट कर रहे थे, बट ऐसा एक सेकंड भी आपको नहीं लगेगा पूरे शूट में या पूरे गाने में कहीं पर भी, पर बहुत प्यारा निकल के आया. वी आर वेरी हैप्पी विद द सॉन्ग, इट्स बीन एडिटेड सो वेल. हर बार होता है ना कि कभी कोई गाना आता तो उसमें अरे ये एक रह जाता, बट पहली बार हाँ इवन आई फील कहीं ऐसा नहीं लगा कि अरे ये कुछ तो अलग होता तो अच्छा लगता है, सर कहीं नहीं लगता. प्लीज प्लीज वॉच इट यार, बहुत प्यारा गाना है. जस्ट Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Jim.